जी। जिसे हम बाबा कहते हैं उसमें सूर्य भी शामिल है, उसमें सागर भी शामिल है। वो सागर का ऊंची सी ऊंची स्टेज वाला सरोवर भी शामिल है। ऐसे तो ज्ञान सूर्य है, ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव, वो ज्ञान सूर्य है, वो सूर्य पृथ्वी से चिपक के नहीं रहता है, कभी भी अटैचमेंट में नहीं आता है। और सागर, सागर तो पृथ्वी से अटैच ही है, उस सागर का भी शुद्ध अंश जो बनता है, जो एकदम ट्रांसपेरेंट है, वो है मानसरोवर। ऊंचे से ऊंची स्टेज है, धूल का एक भी कण नहीं देखने में आता। सौ परसेंट प्योर वाटर। नहीं तो नदियों के जलों में बाढ़ आने पर कितनी धूल मिल जाती है। पानी तो वही सागर का है। कोई भी बाप होता है वो जो भी रचना रचता है तो पहली पहली रचना सतो प्रधान होती है या बाद वाली सतो प्रधान होती है? क्यों? लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदाइश होती है। तो ये भी ऐसे ही है। लंबे समय की ज्ञान और योग की अथॉरिटी से जो पवित्रता प्राप्त होती है, मनन चिंतन मंथन से जो पवित्रता प्राप्त होती है, पवित्र बुद्धि बनती है, बुद्धि की सदगति होती है, उसमें जो आगे जाता है वो ही सनत कुमार है। बाकी नंबर वार हैं। बाकी जो तीन हैं वो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। वो भुजाएं हैं, वो हैं भुजाएं। भुजाएं माने सिर्फ सहयोगी।
सहयोगी तो बनते हैं, कोई धन से सहयोग करते हैं, कोई तन से सहयोग करते हैं, लेकिन पवित्रता के लिए पीछे रह जाते हैं। तो सहयोगी बनने वाले बड़े बड़े साहूकार तो बन जाते हैं, जैसे राणा प्रताप को ऐन मौके पर बड़े साहूकार ने सहयोग दे दिया और दोबारा राजधानी स्थापन कर ली। बाकी जो बाप लेने आया है बच्चों से, खास क्या आस लेके आया है, जो और धर्म वालों से आस नहीं है, कैसे देते हैं, क्या करते हैं? एक हाथ में स्वर्ग दिखाते हैं और दूसरे हाथ में क्या मांगते हैं? पांच विकारों में भी मुख्य विकार कौन सा है? तो पवित्रता की मुख्य बात है, जो और धर्मों में नहीं होती है। इसलिए वो विधर्मी बन जाते हैं, विदेशी बन जाते हैं और उनमें भी नंबरवार हैं। कोई कम पावरफुल, कोई ज्यादा पावरफुल। कोई ओल्ड इज गोल्ड, कोई बाद में आने वाले। अमर शाह जो हुए है, अमर शाह जो पटेल को धंधे करके फिर से वो भामा शाह, हाँ वो पटेल वाली अभी सोचे कैसे ज्ञान धन है, आपको धंधे करके बड़ा करता है, ज्ञान धन लेके क्या करता है? वाली आत्मा को यहाँ पर ज्ञान धन लेकर के फिर से जो है माने कृष्ण वाली आत्मा महाराणा प्रताप है। अरे महाराणा प्रताप महावीर है, है? महाराणा प्रताप कृष्ण वाली आत्मा है, ब्रह्मा वाली आत्मा है, तो महावीर का पार्टधारी है क्या? घास खाने वाली आत्मा है? इतनी त्यागी तपस्वी आत्मा है, है? फिर सरोवर है वो तो तिब्बत में है, वो तो है भारत में तो है। ये तिब्बत, ये नेपाल, ये पाकिस्तान, ये बर्मा, ये बाद में बने हैं, ये पहले से ही है। और हाँ परमात्मा को शिवबाप के बारे में बताया गया है? परमात्मा शिव के लिए बोला गया है। अगर परमात्मा शिव के लिए बोला गया है तो परमपिता परमात्मा क्यों कहते हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते परमात्मा परमपिता? जैसे शिव शंकर कहते हैं तो शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में, कभी ये क्यों नहीं कहते शंकर शिव?
कहते हैं क्या? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि बड़ा पहले होना चाहिए और छोटा बाद में होना चाहिए। वो परम पिता है जिसका पिता कोई भी नहीं, वो प्रजापिता का भी पिता है। बापों का भी बाप। दुनिया में बाप तो बहुत बनते हैं, 500-700 करोड़ भी बाप बन जाते हैं। उनके भी बाप होते हैं, धर्म पिता हैं। वो धर्म पिताएं भी अपना बाप किसी को मानते हैं, इस साकार सृष्टि में मानते हैं। कौन है? हैं? हैं? प्रजापिता आदम, एडम, आदिनाथ। परंतु उसका भी कोई बाप है, शिव बाप। फिर उसका कोई बाप नहीं है, तो वो परम पिता है, परम आत्मा नहीं, परम आत्मा उसे कहें जो आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली हो। शिव बाप के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी तो भेंट किसी से कर ही नहीं सकते। वो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में है ही नहीं। तो जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनके बीच में परम पाठधारी कौन है? प्रजापिता। इसलिए परम पिता नहीं है, लेकिन परमात्मा है। इसलिए सदैव कहा जाता है परम पिता परमात्मा। हाँ, अलग और अटैच होकर के साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार की बात है। वह जब विनाश होगा तो प्रजापिता पहले ऊपर जाएगा या सब आत्माएं अलग जाएंगी पहले? है? साथ लेके जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जब विनाश होगा टोटल, तो सबसे बाद में कौन सी आत्मा जाएगी? है? हाँ, सबसे लास्ट में कौन जाएगी? प्रजापिता। तो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उस समय का गायन है साकार में। सूक्ष्म बतन में जावेंगे वहां तो साकार शरीर ही नहीं होगा। परम धाम जावेंगे वहां तो न सूक्ष्म शरीर न साकार शरीर, वहां का गायन नहीं होता है। सूक्ष्म बतन का या साकार शरीर का कहां का गायन है? इस साकार सृष्टि का गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कहते आत्मा परम पिता बहुकाल अलग रहे। सूक्ष्म सुप्रीम सोल। हाँ, नहीं। हाँ, सुप्रीम फादर कह दो। है? वो सोल नहीं है, सोल नहीं है, चैतन्य नहीं है। सोल है या जड़ है?
फिर वो तो सबसे जास्ती चैतन्य स्टेज में रहने वाली आत्मा है। परम सत्ता का इंग्लिश सुप्रीम फादर होगा हैं? परम सत्ता का इंग्लिश में जो होगा सुप्रीम फादर होना चाहिए। नहीं, हिंदी वाले जो हिंदी जानते हैं उसका अनुवाद अंग्रेजी में ज्यों का त्यों नहीं हो सकता। हिंदी भाषा भाषी जिस गहराई को ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकता है उतना विदेशी भाषाएं वाले नहीं समझ सकते, इसलिए अनुवाद में बात ही बदल जाती है, ट्रांसलेशन कभी एक्यूरेट नहीं होता है। परमपिता कह जाएगा, कैसे कह देंगे सुप्रीम सोल को परमपिता उनके हिसाब से? हाँ, लेकिन उनका तो कहना ये है कि परमपिता शिव को सुप्रीम सोल इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि वो ही परम पाठधारी है, परंतु वो तो परम पाठधारी ड्रामा में है ही नहीं, ऑलराउंड पार्ट बजाता है क्या? नहीं। भगवान लेकिन लेकिन ये कहाँ बोला गया है? ये भक्ति मार्ग का बात है। एक तो भक्ति मार्ग की बात समझाए, और प्रगटा माने पहले गुप्त था बाद में प्रगटा, तो कौन पहले गुप्त था? ज्ञानसूरी ही पहले गुप्त था, बाद में जब प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। हाँ, 70-80-90 साल का उम्र में वो का जो आत्मा शरीर छोड़ रहा है वो क्या किसी ब्राह्मण आत्मा का शरीर में प्रवेश करके पुरुषार्थ करेगा या 5 साल का गर्भ पिंड में प्रवेश करके नया शरीर धारण करके पुरुषार्थ करेगा? इस ज्ञान को आरंभ हुए 70 साल से ऊपर हुए, जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं वो जरूरी यज्ञ के आदि में नहीं थे, जो यज्ञ के आदि में ही नहीं थे वो असल सूर्यवंशी हुए या बाद वाले हुए? तो जो दुनिया वालों की गति है वो उनकी गति हो सकती है, दुनिया वालों की गति में पाप कर्म करने वालों की संख्या ज्यादा है या पुण्यात्माओं की संख्या ज्यादा है? और पाप कर्म करने वाले ही सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, ज्यादा पाप कर्म न कर सके। इससे साबित होता है कि जो 70 साल की उम्र के आजकल हैं या इससे ज्यादा उम्र वाले हैं शरीर छोड़ रहे हैं तो सूक्ष्म शरीर धारण कर सकते हैं कि नहीं? अगर अकाले मौत हुई है तो जरूर सूक्ष्म शरीर भी धारण कर सकते हैं, अगर अकाले मौत नहीं हुई है
तो गर्भ जेल में प्रवेश भी कर सकते हैं, दोबारा भी जन्म ले सकते हैं। और वासुदेव का काल क्या है? वासुदेव का काल क्या है? यादगारी वासुदेव क्या काम है? वासुदेव का काम ही है नष्ट करना, विनाश करना, प्रैक्टिकल में विनाश करना। ये विनाश करना भी जरूरी है या नहीं जरूरी है? विनाश होगा तो स्थापना प्रत्यक्ष होगी, विनाश नहीं होगा तो शेष आत्माएं प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए वो भी जरूरी है, उनके बगैर भी नई दुनिया का सूर्यवंश स्थापना का कार्य संपन्न नहीं कहा जाएगा। और अरे वो 12 में से हैं या 8 में से हैं? फिर अरे अरे नष्ट देव 12 की संख्या में है या 8 की संख्या में है? 8 सजा नहीं खाते तो भाइयों की बात मान लो। मुरली में सारी बातें आएंगी तभी मानेंगे। है? जब नष्ट शब्द है तो नष्ट देव भी होंगे। क्या शनिदेव का नाम नहीं सुना? राहु का नाम नहीं सुना? फिर अरे 12 का ग्रुप है सूर्यवंशियों का, तो ये रूहानी मिलिट्री में है या नहीं है? रूहानी मिलिट्री में सब स्वतंत्र हैं या एक दूसरे के अंडर में चलने वाले हैं? स्वतंत्र हैं, सब भगवान हैं। रूहानी मिलिट्री, मिलिट्री किसे कहा जाता है? मिलिट्री का मतलब है एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, नीचे वाला वॉरियर ऊपर वाले वॉरियर को क्रॉस करके नहीं चल सकता, नहीं बोल सकता। अगर विरोध करता है तो ठा मारा जाता है। विनाशकारी चाल है वो तो आज से इशारा लेगा तो करेगा? बिल्कुल, वो तो बाद में है। तो आज जो इशारा देगा उसका काम नहीं होगा? आज जो इशारा देगा, इशारा देने का काम नहीं होगा? वो इशारा वाइब्रेशन से देगा या आंख से इशारा देगा या उंगली से इशारा देगा? ऐसे इशारा देगा, वाइब्रेशन ज्यादा पावरफुल होता है या इंद्रियों का इशारा ज्यादा पावरफुल होता है? तो जो वाइब्रेशन इतना पावरफुल वाला है वो याद में पावरफुल नहीं होगा, और याद में जो कर्म किए जाते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, उनका पाप या पुण्य नहीं बनता। इसलिए गीता में कहा गया है स्वरूपनिष्ठ वो है
जो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगता। उनमें वाइब्रेशन की पावर बिल्कुल नहीं होगी। तो बटन दबाने वाले वाइब्रेशन की पावर वाले होंगे या स्थूल वैज्ञानिक होंगे? वो जड़त्व को जानते हैं, पांच तत्वों के जानकार हैं, लेकिन आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस बात को वैज्ञानिक नहीं जानते। उसकी पावर क्या है पता लगाने के लिए? वो डर रहा बोलता, वो रिचार्ज कर रहा है। अच्छा, तुम्हारे कान में सब कुछ कह देता है, पूरी खबर आ रही है तुम्हारे पास, वो भी परमात्मा को जानने वाले हैं। जानने वाले ये हैं कि मानने वाले भी हैं या चलने वाले भी हैं? हाँ, जानने वाले, मानने वाला, चलने वाले। फिर वो तो यादव संप्रदाय है। सहयोग तो हमारी सारी दुनिया करेगी, क्योंकि भगवान ही हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है। पार्टिकल्स जो है, जो एटम, जो एटम है, अणु है। एटम सबसे छोटा नहीं है, एटम नहीं है सबसे छोटा, आत्मा सबसे छोटी है। वही उसी के बारे में, आत्मा को वो नहीं जानते, न जान पाएंगे। वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है, अध्यात्म को नहीं जानने वाले हैं। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, अध्यात्म माने आत्मा के अंदर को जानने वाले वैज्ञानिक नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। मानते नहीं, लेकिन शोर तो मानते हैं। शोर तो मानते हैं, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। आज मूवी में था 1963 में एक लड़ाई हुआ। 1963 में जो लड़ाई हुआ, किसने को लड़ाई हुआ? 62 में हुआ या 63 में हुआ? पाकिस्तान ने कितनी चढ़ाइयां कर दी हैं भारत पर, याद है? हाँ, और भ्रष्टाचारियों का विनाश नहीं हो जाएगा, भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नहीं हुआ। तो बेहद की, बेहद का बाप बेहद की बात पहले करेगा या हद की बात करेगा? आज संन्यासी जब लगे हुए भ्रष्टाचारी मिटाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए भारत प्रशासन जो संविधान लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लोकपाल बिल जो मिट पाएगा भ्रष्टाचारियों का। बाबा रामदेव अन्ना हजारे ब्लैक मनी के बारे में जो आंदोलन कर रहा है दिल्ली में, उसके बारे में बोल रहा है क्या? जो खुद भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारियों को कैसे खत्म करेगा? वो सपोर्ट करेगा अपनी जाति वालों को या उनका विरोध करेगा? आयुर्वेदिक दवाइयां घास फूस से तैयार होती हैं,
उन आयुर्वेदिक दवाइयों का रामदेव की बनाई हुई लेबोरेटरी में सबसे ज्यादा कीमत है। ये गरीबों को चूसना है या गरीबी को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है या भ्रष्टाचार को खत्म करना है? उसमें हम पैकेज सिस्टम है, चार पांच दवाई नहीं लेना फिर कोई बीमार पैकेज सिस्टम है। दुनिया में किसकी किसकी फालतू बातें करेंगे? हमको तो बाबा ने बता दिया जो लास्ट में आने वाली आत्माएं हैं उनका थोड़े समय के लिए मान मर्तबा हो जाता है, बाद में ठंडी हो जाएंगी, चाहे आचार्य रजनीश हो चाहे कोई भी हो। डिब्बे रखते हैं, आप हीरे की बात कर रहे हैं, डिब्बी की बात कर रहे हैं कि डब्बा की बात कर रहे हैं? हाँ तो डिब्बी की बात करो, एक्सपेंसिव डिब्बी है, उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव उसमें रखा हुआ हीरा है, तो बताओ डिब्बी कौन हुई? यार डब्बे की तो बात ही नहीं आई। हाँ बेहद की ही बात है, हद की कहाँ कह रहे। हाँ ब्रह्मा बाबा एक्सपेंसिव डिब्बी हुई ना, बिल्कुल हुआ। तो जो ऊपर किया ऊपर वाली जो लाइन है वो हीरा बनती नहीं है, बाद में बनती है, पहले थी हीरा लाइन। लाइन तो है, लाइन तो है, लेकिन लाइनों में लाइन बदल करके जीरो हीरो कब बनता है? लास्ट में बनता है या पहले ही होता है? लास्ट में बनता है, बैलेंस में आ जाता है, ना ऊपर ना नीचे, विष्णु बन जाता है। विष्णु ऊंचा या ब्रह्मा ऊंचा या शंकर ऊंचा, एवरलास्टिंग ऊंचा कौन, किसे कहेंगे ऊंचा? बैलेंस में कौन रहता है? शंकर बैलेंस में रहता है, विष्णु बैलेंस में रहता है, न ज्यादा लूज और न ज्यादा स्ट्रिक्ट। ब्रह्मा लूज है, बैठक ही लूज है, और शंकर एकदम स्ट्रिक्ट, और विष्णु बैलेंस में है। बैलेंस से ही सफलता मिलती है, इसलिए जो तीन रेखाएं हैं उनमें हीरा कहां होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, तब कहेंगे बैलेंस में। और कोलकाता का काली का जो महिमा है, इसी महिमा का शूटिंग होने का कोई फिक्स डेट है? यहाँ फिक्स डेट ज्ञान में नहीं बताई जाती, कभी भी बताई जाती है क्या? नहीं, नाम भी नहीं बताया जाता। हाँ जी, एक्यूरेट नहीं बताया जाता। और ब्रह्मा के मुख से तो तब ही चलना शुरू हो गया जब कराची में बाप बैठ लिखाते थे और ब्रह्मा लिखते थे, फिर बाद में उसकी कापियां निकलती थी और वो कापियां पढ़ करके सुनाई जाती थी।
हाँ जी हाँ अठारह साल के अठारह अध्याय तब कहेंगे जब ब्राह्मणों की दुनिया में जनसंख्या की वृद्धि होने लगी। जनसंख्या की वृद्धि संगम युग से होती है शुरू, या सतयुग आदि के पहले जन्म से होती है, है? जनसंख्या की वृद्धि की शुरुआत कब से है? कब कहें? सतयुग के पहले जन्म के आदि से ही वृद्धि शुरू होती है। तो ये जो वृद्धि शुरू होती है उसकी शूटिंग भी शुरू होगी। ब्राह्मणों की दुनिया में जब देवता वर्ण की शूटिंग हो रही थी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की वृद्धि कब से शुरू हुई? सन 47 से शुरू हुई, 51-52-53 से शुरू हुई या बाद में शुरू हुई? 51-52 से वृद्धि नहीं हुई, और ही डायरेक्शन मिला अपने अपने घर जाकर के अपने परिवार वालों की सेवा करो। परीक्षा हुई, ढोडा रोटी खाने को मिली, बहुतों ने समझ लिया बाबा के पास कुछ नहीं बचा, भागो यहां से। कितने बचे आखिरीन? 75 बचे। 300-400 में से कितने बचे? 75 बचे। बाकी सब अपने घर परिवारों में ही हिलक के रह गए, वापस ही नहीं आए। तो वृद्धि हुई या घटोतरी हुई? घटोतरी हो गई। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वास्तव में वृद्धि कब से शुरू हुई? जनसंख्या की वृद्धि। हाँ, ये त्रिमूर्ति और झाड़ का लिटरेचर जब बना है, एक्यूरेट चित्र तैयार हुए हैं, तो उन चित्रों को देख करके लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई और ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई। संसार से लेकर के कब तक है? अरे सतयुग में जनसंख्या कितनी होती है? 2 करोड़। सन 73 में पहला मेला हुआ दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में। उस समय ज्ञानामृत पत्रिका में लिखा है 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिल चुका था। तो आत्माओं को संदेश देने की वृद्धि कब से शुरू हुई? जब मेले मिलाखंड शुरू हुए, ढेर की ढेर गलीज आत्माएं मेलों में मैला इकट्ठा होने लगा। तो 73 से लेकर के 76 तक 1 करोड़ और आत्माओं को संदेश मिलना बड़ी बात हो गई क्या? तो सन 76 तक सतयुग की देवता वर्ण की शूटिंग हुई है। ये है 16 वर्ष। वर्ष के लिए एक्यूरेट है सतयुग की शूटिंग का हिसाब। 60 से लेकर 76 तक हाँ। तो सन 76 थोड़े ही है, सन 77 को संपूर्णता वर्ष बताया है। सन 60 से लेकर सन 77 तक पूरा होते होते कितने साल हुए हैं?
कितने वर्ष हुए? 18 साल हो गए। पीओ बाप को कहा जाता है। शिव बाप वाणी नहीं चलाने का निमित्त बनता है। तो क्या हुआ? वो मुसलमानों में होता है, एक बाप को छोड़ दूसरा बाप, तीसरा बाप, चौथा बाप बना लेते हैं। यहाँ तो एक ही बाप है, प्रजापिता। तो क्या हुआ, उससे पहले प्रजापिता की वाणी नहीं चली है? तो क्या हुआ, अनुमान क्यों लगाना चाहिए कि बाद में भी चली होगी? बाद के लिए तो बताया है। कई पेज लिखाते थे बाप, ये मम्मा बाबा बैठ लिखते थे, बाद में उसकी कापियां निकाली जाती थी, उसे प्यू की वाणी थोड़े ही कहेंगे। हाँ, माताएं थी ना। ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, टीचर बनकर बैठती थी, हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर में माला में आने वाली है। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, उनमें बाबा प्रवेश करते थे, तो क्या साबित हुआ? कोई थे रुद्रमाला के मणके? और अलबेलापन की दवाई क्या है? अलबेलापन की दवाई है साकार में अकेला। क्या साकार में एक बाप, दूसरा न कोई, सब अलबेलापन खलास हो जाएगा। सच्ची गीता में लिखा है, अरे सच्ची गीता खंड जो है उसका मिसाल न दे करके मुरली का मिसाल देना चाहिए। सच्ची गीता में जो लिखा है वो मुरली के महावाक्य हैं या कोई दूसरे हैं? हाँ, तो उसमें लिखा है बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए। एडवांस कोर्स की किताब में लिखा है अगर कहें भगवान विनाश कराता है करता है तो उन पर दोष आ जाए। भगवान आ करता है या कराता है? करता है, है?
भगवान कल्याणकारी है या कल्याण भी करता है? है वो तो सदैव कल्याणकारी है। विनाश में जो रूठते हैं, रोते पीटते हैं, हाय हाय करते हैं, वो अज्ञानी है जो समझते हैं कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब भोगते हैं, भगवान कभी दुख नहीं देता है। भगवान अलग है, धर्मराज अलग है। वो तो अकर्ता है, न धर्म करता है न अधर्म करता है। तो भगवान के लिए नहीं कहेंगे कि वो विनाश करता है या कराता है। विनाश कौन करते हैं? शक्तियां करती हैं या भगवान करता है? करवाते हैं, शक्तियां करती हैं, भगवान नहीं कराता है। भगवान अगर विनाश कराए तो उस पर दोष आ जाए, कराने वाले के ऊपर दोष आता है या नहीं? कोई हत्या कराता है, कोई करता है, तो जो कराता है उसको फांसी की सजा नहीं मिलेगी, उसको भी लगेगी। तो भगवान तो न करता है न कराता है। बाबा शक्तियाँ अपने आप करती है क्या? नहीं, शक्ति किससे लेती है? बाप जिसे शक्ति लेती है वो सिर्फ निराकार है या साकार है? हैं? साकार, निराकार में साकार है, साकार भी निराकार है। साकार भी है और साकार के साथ साथ निराकारी स्टेज वाला भी है, इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। शंकर विनाश नहीं करता है, उसके द्वारा विनाश कराया जाता है। लेकिन जिसके द्वारा विनाश कराया जाता है, जिसके द्वारा विनाश कराते हैं, उसकी शिफ्ट क्या है? नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन उसकी शिफ्ट है, उसकी विशेषता है कि जिससे विनाश कराते हैं उस पर कोई पाप नहीं लगता। ऐसी स्टेज वाला होना चाहिए। पॉइंट 1% भी देहवान होगा तो पाप लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। है? हाँ जी, द्वापर युग के आदि तथा त्रेता के अंत में ईव पहले पतित बनी, अथवा दादालेख ब्रह्मा, दादालेख राज ब्रह्मा की आत्मा पहले पतित बनी, तपने का संकल्प पहले किसको आया? ब्रह्मा पहले, वो पहले ब्राह्मण है या ब्रह्मा है?
माने प्रजापिता ही पहले पतित बना। उनका हाथ धो के पीछे पड़ गए प्रजापिता के। बाबा ने बोला ऐसा कोई बात नहीं जो आपको लागू नहीं होता है। हाँ? लागू होता है बाबा। हाँ? आपको लागू होता है। हाँ? वो किस हिसाब से? जबकि उसमें ब्रह्मा प्रवेश है तब लागू होता है कि बिना ब्रह्मा के प्रवेश हुए लागू हो जाता है? हलधर कौन है? बलराम की आत्मा कौन है जो धरणी में हल चला के धरणी को चीरने वाली है, दुख देने वाली है? तो समझ में नहीं आया अभी? अरे आया ना, अभी उसी लिस्ट में हो जहाँ वो काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ब्रह्मा वाली आत्मा पहले पतित होने का संकल्प चलाती है या जगदम्बा की आत्मा पतित होने का संकल्प चलाती है? ईव कौन है, जगदम्बा कौन है? हाँ, एक ही है तो कौन है? ब्रह्मा है। शरीरधारी के ऊपर नाम पड़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है? तो जगदम्बा शरीरधारी है या उसके अंदर प्रवेश हुई आत्मा शरीरधारी है? दूसरी बात, शुरुआत पहले रुद्रमाला के मणकों से होगी या विजयमाला के मणकों से होगी? है, बीज से पहले शुरुआत होती है। तो रुद्रमाला के मणकों में बीज हैं, उनमें एक जगदम्बा भी है। जगदम्बा ही लास्ट मणका है। और जो बीज हैं वो उतने जड़त्वमय नहीं हैं, उनमें ज्यादा चैतन्यता है। रुद्रमाला का आखिरी बीज सबसे जास्ती जड़त्वमय है, इतना जड़त्वमय है कि वर्षों बाप का संग करने के बावजूद भी जो मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, इतनी जड़त्वमयी है। गायन बना पड़ा है। सबसे जास्ती मिलन मेला की यादगार किसकी बनती है? जगदम्बा की बनती है। 500 करोड़ आत्माओं के बीच जितना जगदम्बा ने मिलन मेला मनाया उतना और कोई ने भी। 16,000 गोपियां गाई जरूर गई हैं, लेकिन मिलन मेला सबसे जास्ती किसने मनाया? जगदम्बा ने। तो जड़ तुम्हें कहेंगे या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? जड़ तुम्हें बुद्धि। ब्रह्मा को कहेंगे है जो सृष्टि सतो प्रधान सृष्टि का पहला पत्ता है।